यूपी के शाहजहांपुर में दो युवक पिछले दो दिनों से सबसे ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े हुए हैं। युवकों ने मोबाइल टावर पर ही धरना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक युवक की हालत बिगड़ गई है। दोनों युवक सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने और सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। युवकों ने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो टावर के ऊपर ही आत्मदाह कर लेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन मामले में चुप्पी साधे बैठा है। मामला थाना जलालाबाद कस्बे के गांधीनगर इलाके का है, जहां पर बने इलाके के सबसे ऊंचे टावर पर रविंद्र आज़ाद और मुन्ना सिंह नाम के दो युवक रविवार की सुबह चढ़ गए। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद भी आज तीसरे दिन भी युवक टावर पर चढ़े हुए हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई के नाम पर जिला प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि टावर पर चढ़ा युवक इससे पहले भी कई बार टावर पर चढ़कर धरना प्रदर्शन कर चुका है और जेल भी जा चुका है। युवक ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो टावर के ऊपर ही आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि ऊपर चढ़े मुन्ना सिंह नाम के युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल जिला प्रशासन मामले में चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, टावर पर चढ़े लोगों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जब तक दम में है दम है, न्याय मांगेंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो टावर पर फांसी लगाकर मर जाएंगे और मेरा साथी भी मर जाएगा जो बीमार पड़ा है, बेहोश हो चुका है। अच्छा है, मुझे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।